अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिंपल ब्रेड को स्विस रोल्स में कन्वर्ट किया है। ये देखें, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखें, ये बच्चे मेरे वेट कर रहे हैं और ये इधर आरिफ भी वेट कर रहा है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपसे बहुत ही एक आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिर्फ आपको ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए, कोई सा भी जैम जो आपके घर में मौजूद है। मैं ये एक स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ करूँगी और एक मैं ये ब्लूबेरी का जैम यूज़ करूँगी और कंडेंस मिल्क अगर आपके पास है ऑप्शनल है। और करने में क्या जा रही हूँ, सिर्फ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इन स्लाइसेस की जो साइड से किनारे वो मैंने काट लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को आप रोलिंग पिन की मदद से ऐसे रोल कर लीजिएगा और चारों को हम ऐसे ही कर लेंगे। अब ये चारों जो ब्रेड के स्लाइसेस थे इनको मैंने रोल कर लिया है और अब हम इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे जो है रख रहे हैं ताकि एक स्क्वायर जो है मैंने इनका बना दिया है, ये देखें ऐसे। और एक दफ़ा फिर से इसको ऐसे इकट्ठा हम इधर से ताकि ये जुड़ जाए ऐसे रोल कर लेंगे। ये अच्छी तरह से आप इसको ऐसे इधर से कर लीजिएगा स्पेशली ताकि जॉइंट जो है वो जुड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं एक टीस्पून जो है मैंने एक लेयरिंग के लिए मैंने ये ब्लूबेरी जैम ये लगा दिया है। आप चाहें तो एक ही फ्लेवर में भी बना सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपनी ब्रेड को स्विस रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है, स्पेशली बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक हो जाता है। और इस तरह से मैंने अब ये स्ट्रॉबेरी जैम लगा लिया है और थर्ड लेयर जो है ये मैं कंडेंस मिल्क की एक दे रही हूँ। इससे बहुत ही एक यमी सा फ्लेवर आएगा। और एक मैं इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। और अब आ गया है फाइनल स्टेप सिंपल ब्रेड को स्विस रोल बनाने का। इसको हम ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे रोल करते जाएंगे, स्लोली रोल करते जाइएगा। ये देखिए ऐसे स्लोली स्लोली आपने इसको मूव करते जाना है ऐसे। लुक, अब ये एक रोल की शक्ल में आ गया है, देखें। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं और अब आपने इनको ऐसे कटिंग कर लेनी है। साइज़ आप हाफ इंच भी रख सकते हैं और वन इंच भी, इट्स अप टू यू। ये देखें, इट्स वेरी इजी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नो बेकिंग, जस्ट योर सिंपल ब्रेड। और इसकी डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हैं। सी, इसको ऐसे हार्ट शेप में मैंने बना दिया। कुछ मैं सर्कल्स बनाऊंगी क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए बन रहे हैं। ये देखें, सिंपल आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये हार्ट शेप बन जाएंगे। कुछ मैं सर्कल्स भी रखूँगी और इस तरह से आप इसकी डिफरेंट शेप्स जो हैं वो कट कर लीजिएगा। अगर आप रोल या स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे थोड़ा सा कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखें कितने इजी तरीके से मैंने सिंपल ब्रेड के स्विस रोल बना दिए हैं और वो भी डिफरेंट शेप्स में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, और ये देखें, आरिफ इज रेडी। आरिफ, आर यू रेडी? ओके, आरिफ रेडी है खाने के लिए और वो टेस्ट करके बताएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।